We at GNA University see potential in everyone and everything around us. We drive innovation and entrepreneurship. We groom competent global citizens to affect positive change around them. जिला परिषद हमीरपुर की त्रैमासिक बैठक का आयोजन जिला परिषद हॉल में मंगलवार को किया गया। बैठक की अध्यक्षता जिला परिषद अध्यक्ष बबली देवी ने की। बैठक में चिट्टे का मुद्दा जोर शोर से गरमाया। युवा पीढ़ी को बर्बादी की तरफ ले जा रहा नशे का प्रचलन जिला परिषद बैठक का महत्वपूर्ण मुद्दा रहा। मंडल भोरंज के धीरड वार्ड के जिला परिषद सदस्य पवन कुमार ने चिट्टा तस्करी के मामलों को लेकर पुलिस पर कई तरह के सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा चिट्टा तस्करी के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। इसके साथ ही बैठक में सड़क पानी व बिजली सहित अन्य जनहित से जुड़े हुए मुद्दे आए। सदस्य हैं हमारे पवन जी, उन्होंने ये इशू आज रेज किया था कि जो ड्रग पेडलिंग होती है, जो उसमें लोअर जो जिनके पास छोटी क्वांटिटी में मिलता है उनको वो ही इसमें पकड़े जाते हैं, लेकिन जो उनके हायर अप्स हैं, जो मेन सप्लायर्स हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो इस बात का संज्ञान लिया गया है। तो हम अपने पुलिस काउंटर पार्ट्स जो हैं, हमारे पुलिस विभाग है, उनको हम इस बारे में आज की मीटिंग के कंटेक्स्ट में हम उनसे इस टेकअप करेंगे। जिला परिषद की जो हमारी मीटिंग है उसकी तरफ से भी हम उनको रेजोल्यूशन भेजेंगे कि इसमें उचित कार्रवाई करें, कि ताकि जो मेन सप्लायर्स हैं या बड़े लेवल के जो इन्वॉल्व रहते हैं उनमें, उनके ऊपर कार्रवाई की जाए और उनकी वजह से जो छोटे लोग हैं ये फंसते रहते हैं और जो मेन जो इसमें इन्वॉल्वमेंट जिनकी है वो स्कॉट फ्री जाती है। तो हम पुलिस विभाग से टेकअप करेंगे कि जो इसके मेन इसमें इन्वॉल्वमेंट जिन लोगों की, उनके खिलाफ इसमें कार्रवाई की जाए और उनको आइडेंटिफाई किया जाए। खट से रिलेटेड इशू है, बिल्कुल आपने सही उठाया है, क्योंकि वो काफ़ी मेरे ख्याल से इधर उधर टॉस हो रहा है, क्योंकि शायद पहले उसको प्रपोज किया गया कि उसको हम मनरेगा के थ्रू करेंगे, लेकिन वो बहुत ही मटेरियल इंटेंसिव वर्क होता है। हम जानते हैं कि मनरेगा में बहुत सारी हमारी हैंडीकैप्स होते हैं, उसमें तो मैन मटेरियल रेशियो हमें मेनटेन करना होता है, और जैसे कि हमारे SDO साहब ने कहा है कि उसको हम वहाँ पर मशीनरी का इस्तेमाल किया जाना ज़रूरी है, लेकिन मनरेगा में मशीनरी अलाउड नहीं होती है। तो अभी हम कोशिश करेंगे कि या तो कहीं IPH के थ्रू अगर उसको करवा पाएँ, क्योंकि उसमें चैनलाइजेशन की बात की गई है खड़ की, या PWD विभाग के माध्यम से उसको टेकअप किया जाए। और ये इशू यहाँ पर ज़िला परिषद के द्वारा ये कहा गया कि अगर कहीं से नहीं हो रहा है तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय तक भी इसको रेजोल्यूशन भेजा जाए और वहाँ से फंड्स की डिमांड की जाए। इसमें सही कह रहे हैं कि आज हमारी ZP की मीटिंग थी, लेकिन कई इंपॉर्टेंट जो ऑफिसर्स हैं, खासकर टेक्निकल विभाग जो रहते हैं हमारे PWD IPH, इनके ऑफिसर्स एब्सेंट थे। ये बड़ा खेद का विषय है, क्योंकि बहुत ही एडवांस में, इनफैक्ट लगभग 15-20 दिन पहले जो है, कई बार डिपार्टमेंट्स कहते हैं कि लास्ट मोमेंट पे मीटिंग रखी गई है, हमें जानकारी नहीं मिली, लेकिन इस बार लगभग 20 दिन पहले ही सभी विभागों को हमने सूचित कर दिया था। और हमने कोशिश ये भी की थी कि टेलीफोनिकली भी हम सभी विभागों को बताएं कि मीटिंग के बारे में, लेकिन उसके बावजूद भी देखने में आया है कि काफ़ी विभागों के अधिकारी आज प्रेजेंट नहीं थे, खुद प्रेजेंट नहीं थे, उनकी तरफ से उनके रिप्रेजेंटेटिव्स भी नहीं थे। तो सभी माननीय सदस्यों द्वारा, माननीय जो अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष, उनके द्वारा इस बारे में सीरियस व्यू लिया गया है। तो हम सभी से जवाब तलबी करेंगे, थोड़ा सा उनका शो कॉज इशू करके उनसे एक्सप्लेनेशन रीजन लेंगे कि वो एब्सेंट हैं, और उसके बाद जहाँ जहाँ भी हमें लगता है कि उनके लेवल पे कमी है तो हम उनके जो हायर ऑफिसर्स हैं उनको प्रपोज करेंगे कि सूटेबल इनके अगेंस्ट डिपार्टमेंट इलेक्शन भी लिया जाए, क्योंकि इंपॉर्टेंट मीटिंग है, बहुत समय बाद होती है, उसके बावजूद भी एब्सेंट रहे हैं। तो हम इस तरीके से इसमें आगे प्रोसीड करेंगे। हिमाचल TV के लिए हमीरपुर से सुरेंद्र ठाकुर की रिपोर्ट। हमीरपुर मुख्यालय से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर दोसड़का के पास मुख्य मार्ग पर भवन किराए के लिए उपलब्ध है। इस भवन को होम स्टे, अस्पताल, नर्सिंग कॉलेज, बीएड कॉलेज के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। यहां खुले कैंपस के साथ ही वाहनों को पार्क करने की सुविधा उपलब्ध है। यह भवन बिल्कुल सड़क मार्ग किनारे स्थित है। किराए पर भवन लेने के लिए इच्छुक मोबाइल नंबर 9418573500 पर संपर्क करें।